हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल आर के राय सर। सो डियर स्टूडेंट्स और माय फ्रेंड्स, आपको आज हम ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ ले चलेंगे जो कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और खासकर जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रोनाउन टॉपिक जो है वो वर्ग 1 और वर्ग 2 की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में है। आप जाइए और सिलेबस को चेक कीजिए, आपके सिलेबस में प्रोनाउंस दिए गए हैं। तो आज हम आपको सारे प्रोनाउंस क्लियर कर रहे हैं। प्रोनाउन क्या है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज यदि आपने ये वीडियो देख ली तो आपका प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और समझ लीजिए इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर, यू नो वेरी वेल। सो आप सबको पता है कि कॉन्सेप्ट पावर होती है, कॉन्सेप्ट में ही पावर है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा और आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। चलिए मिलते हैं स्क्रीन पर, टाइम को नहीं करते हैं वेस्ट, क्योंकि वन हु वेस्ट द टाइम, टाइम वेस्ट हिम। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं यहाँ प्रोनाउंस को, ठीक है, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है प्रोनाउंस। नाउन के बाद प्रोनाउन आ जाता है, तो हम देख लेते हैं प्रोनाउन होता क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। अच्छे से आपको बने रहना है वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये क्लियर हो गया तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम, तो यहाँ लिखा है अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ और इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। सो यू नो वेरी वेल, आपको ये पता भी है कि ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की जगह पर आ जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, और हिंदी में यही बात है कि सर्वनाम कहलाता है प्रोनाउन, ठीक है। तो सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त तो होते हैं, ठीक है, आप सब जानते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1, द लीडर इज ऑनेस्ट, ही वॉन्ट्स टू चेंज द सिस्टम बट ही कांट डू इट हिमसेल्फ। तो स्टूडेंट्स और माई डियर फ्रेंड्स, आपको देखना है जो लीडर शब्द है, यहाँ शुरुआत में लीडर नाउन है और उसी के लिए फिर यहाँ ही आया है, ठीक है। तो आपको समझना है यहाँ ही आया है और यहाँ पर हिमसेल्फ आया है, और यहाँ जो सिस्टम आया है सिस्टम के लिए इट आया है। तो यहाँ जो पीपी लिखा है उसके नीचे आपको समझना है कि वो प्रोनाउन है, और जिसके नीचे एन लिखा है वो नाउन है, मतलब नाउन की जगह ले ली। बार बार रिपीट नहीं करना, जहां रिपीटेशन ऑफ नाउन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल है दीज आर नाइस फ्लावर्स, तो ये बहुत अच्छे, मतलब नाइस फ्लावर्स मतलब अच्छे फूल हैं। तो दीज यहां पे क्या है, प्रोनाउन है। दीज ने इंडिकेट किया है फ्लावर्स की तरफ, फ्लावर्स की तरफ संकेत किया है, दीज फ्लावर्स आर नाइस। अब देखो दीज के बाद जब नाउन आ गई तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा, और दीज के बाद में जब वर्ब आई है तो फिर ये प्रोनाउन का काम कर रहा। तो आपको ये चीज समझना है कि कोई वर्ड प्रोनाउन की जगह पे आ रही है, कोई वर्ड नाउन की जगह पे आ रहा है तो वो प्रोनाउन का काम करेगा, और नाउन के साथ में आ रहा है उसको क्वालिफाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो फिर वहां पे वो एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के काइंड्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे 10 काइंड्स दिए गए हैं। यहाँ आपको समझना है पर्सनल प्रोनाउन सबसे नंबर 1 पे दिया है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन है जो कि अधिकारवाचक या संबंधवाचक हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग या एम्फेसिस प्रोनाउन भी कहलाते हैं, तो बलबोधक होते हैं, इनसे किसी चीज पर जोर दिया जाता है, फोर्स किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जिसमें निजवाचक होता है, खुद की बात को लेकर के बात की जाती है। डेमोंस्ट्रेटिव होता है जिसको संकेतवाचक या इंडिकेटर प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो आपको अच्छे से समझते चलना है टाइप्स के नाम और उनके हिंदी मीनिंग, क्योंकि यदि आप हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं तो आपको काफी आसानी हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरण या बेस्टी सूचक सर्वनाम होते हैं जो वितरण को सूचित करते हैं। इनडेफिनिट मतलब होता ही है अनिश्चय, तो यू नो वेरी वेल ये अनिश्चित बात की तरफ आपको बताने वाले रहेंगे, अनिश्चित इससे पता चलेगा, निश्चितता का पता नहीं चलेगा, ऐसे प्रोनाउंस इनडेफिनिट होंगे। रिलेटिव मतलब होता है जो संबंध सूचक होंगे, जो रिलेट करेंगे मतलब जोड़ेंगे, ठीक है, वो कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। और रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना या परस्पर संबंध बताना, तो पारस्परिक संबंध वाचक होते हैं ये, इंटेरोगेटिव आप जानते हो कि प्रश्नवाचक प्रोनाउन को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम समझ लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं।
ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं जो। तो ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है बस, ठीक है, मतलब या तो वो सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे या ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, तो वो आपको समझना है पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई, ठीक है, हिम। अब ही का हिम हो गया, सी का हर हो गया, इट का इट ही रहता, दे का देम हो जाता, यू का यू ही रहता, वी का अस, आई का मी हो जाता है। तो इस टाइप के आपको समझ लेना है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एग्जाम्पल दिए हैं कुछ पर्सनल प्रोनाउन के, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने, माई मदर गेव मी ए बूट, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, देखो मी, मी आया है, इसके नीचे पीपी लिखा, पीपी का मतलब पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है दे सेंड अस सम फ्रूट्स, तो सम फ्रूट्स अस आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है, थ्री टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलिए देख लेते हैं, यहाँ लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन दी गई है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सिंगुलर प्रोनाउन भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया है, ठीक है। तो आपको यहाँ देख लेना है कि ये जो सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन का, वो आई है, ये थ्री टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सिंगुलर है जो जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, आई और बी है प्लूरल फर्स्ट पर्सन का, सेकेंड पर्सन का यू सिंगुलर है और प्लूरल भी यू ही रहता है, ठीक है। और जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो गया, अब थर्ड पर्सन के ही, सी, इट, ये सिंगुलर होते हैं और इनका जो प्लूरल होता है वो दे होता है। तो यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि व्हाट इज द प्लूरल ऑफ आई, तो आई का प्लूरल क्या होगा, वी होगा। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ यू, तो यू का प्लूरल यू ही होगा। और ही का प्लूरल पूछे तो दे होगा, सी का प्लूरल पूछे तो दे होगा, और इट का प्लूरल पूछे तो दे होगा, ठीक है, आपको ये समझना है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस भी दिया है, मतलब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है, और ही का हिम, सी का हर और इट का इट हो जाता है। इसी टाइप से बी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, और दे का देम हो जाता है, आपको समझना है, ठीक है। तो अच्छे से आप समझ लीजिएगा, प्रोनाउन को हम समझ लेते हैं क्या होता है। वे प्रोनाउन जिनका यूज नाउन्स पर अधिकार शो करने के लिए होता है, वे पजेसिव प्रोनाउन्स कहलाते हैं, मतलब अधिकार शो होता है, ठीक है। इनका यूज बाला बाली वाले के अर्थ में होता है, ठीक है, बाला बाली वाले का अर्थ निकलता है। ये पजेसिव के सेकंड भी होते हैं, मतलब ठीक है, आपको समझना, यदि केस चार्ट आपने पढ़े होंगे, केस पढ़े होंगे, तो आपने पजेसिव के सेकंड पढ़ा होगा, तो उसमें जो वर्ड आते हैं वो सबके सब पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। इनके बाद किसी नाउन का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये नाउन की जगह पे ही यूज होते हैं, ठीक है, जबकि पजेसिव के फर्स्ट जो होते हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, और एडजेक्टिव कहलाते हैं तो उनके बाद नाउन लगती है, आपने पढ़ा होगा, तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आपको इतना समझना है कि जो हम बता रहे हैं यहाँ पर ब्लैक पेन से जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सबके सब पजेसिव प्रोनाउन से आपको याद रखना है। जैसे ही का हिज हो जाता है, सी का हर्स हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है, माई आई का माइन हो जाता है, और दे का देयर्स, वी का अर्ज, एंड यू का योर्स। तो ये पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, इनमें इनके बाद कभी नाउन नहीं आती। हाँ, हिज जो है, हिज के बाद नाउन आती है, तो फिर वो एडजेक्टिव का काम करता है, क्योंकि पजेसिव की फर्स्ट और पजेसिव की सेकंड इनका दोनों का हिज ही रहता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा समझना है, बाकी इनके बाद में कभी भी नाउन नहीं आएगी, इट्स के बाद में आ सकती है, क्योंकि इट्स दोनों एडजेक्टिव का और प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है। तो हिज और इट्स है, बाकी इनके बाद में कभी आपको नाउन देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, दिस इज, यहाँ लिखा है दिस बुक इज माइन, तो माइन के बाद कुछ नहीं आएगा, इसका अर्थ होगा कि यह बुक मेरी वाली है, ठीक है, बाला वाली का अर्थ निकलेगा, यह बुक मेरी बुक है, मतलब इस माइन में ही जो ये शब्द है इनमें ही वो नाउन जुड़ी रहती है, इनका अर्थ, जैसे माइन है तो मेरी बुक, बुक की बात हो रही तो मेरी बुक हो जाएगा, ठीक है, दिस बुक इज माइन, मतलब यह बुक मेरी बुक है, ठीक है, इस टाइप से आपको समझना है। नेक्स्ट है, अब इसी बात को ऐसा भी लिख सकते थे, दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है, ठीक है। तो अब यहाँ जो अभी देखो, दिस के बाद में बुक आया, तो दिस यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा था, क्योंकि इसके बाद में नाउन आई थी, ठीक है। अब यहाँ दिस के बाद में नाउन नहीं है, तो ये क्या करेगा, प्रोनाउन का काम करने लगेगा, और यहाँ पर जो माई है ये एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन है। तो जब किसी वर्ड के बाद में नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव का फंक्शन करने लगता है, आपको याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट टाइप है, थर्ड टाइप है एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो आपको जैसा कि हमने पहले बताया था, एम्फेटिक का हिंदी मीनिंग है बलबोधक, मतलब जिस पर कभी जोर दिया जाता है। तो बी प्रोनाउंस जिनका प्रयोग इस बात पर स्ट्रेस डालने के लिए या जोर देने के लिए किया जाता है कि सेंटेंस में जो कार्य किया गया है वह स्वयं सब्जेक्ट ने ही किया है। ठीक है, यदि इस बात पर जोर डालने के लिए किया गया है उसका प्रयोग, तो आपको समझना है कि वहां पर और किसी ने नहीं किया वो काम। तो ऐसे प्रोनाउन को एम्फेटिक या एम्फेसाइज या एम्फेसिस प्रोनाउंस कहते हैं, और इनका यूज जो होता है वो खुद या स्वयं के अर्थ में होता है। तो इनकी इनकी एक पहचान है कि इनमें सेल्फ सेल्फ लगा होगा सब में। ठीक है, हिमसेल्फ, ये ही से हिमसेल्फ होता है, सी से हरसेल्फ होता है, इट से इटसेल्फ होता है, यू से योरसेल्फ या योरसेल्फ्स होता है, क्योंकि यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो प्लूरल के लिए योरसेल्फ्स और सिंगुलर के लिए योरसेल्फ, और दे का देमसेल्फ्स हो जाता है, वी का अवरसेल्फ्स हो जाता है, और आई का माईसेल्फ हो जाता है। तो इनका अर्थ जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, खुद या स्वयं। ठीक है, अभी आगे और भी ऐसी आपको देखने को मिलेंगी, तो उनका अर्थ खुद को या स्वयं को निकलेगा। तो यहाँ पे आपको समझना है, जब इसका अर्थ खुद या स्वयं निकल रहा हो, थोड़ा अर्थ भी देखना है। जैसे यहाँ लिखा सी मेड डॉल्स हरसेल्फ, तो इसका मतलब है उसने गुड़िया, जो गुड़िया है वो खुद ही बनाई है। ठीक है, खुद ही, तो यहाँ खुद का अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे ये एम्फेटिक कहलाएगा। और यहाँ खुद को का अर्थ निकलेगा, वहां वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में भी यही सेम टू सेम है। बस अंतर ये रहता है कि आपको ये समझना है कि यहाँ पे खुद को या स्वयं को अर्थ निकलेगा। जैसे पढ़ लेते हैं, विप्रोनाउन जिनका यूज इस बात को बोध कराने के लिए होता है कि सब्जेक्ट ने जो कार्य किया है उससे वह स्वयं प्रभावित हुआ है और कोई नहीं। ठीक है, खुद ही प्रभावित हुआ है वो और कोई नहीं। तो इनका यूज खुद को या स्वयं को के सेंस में होता है। ये प्रोनाउन वही के वही हैं जो कि एम्फेटिक में थे, बस इनका अर्थ चेंज हो जाता है, खुद को ने को जुड़ जाता है उसमें, सिर्फ खुद या स्वयं था, इसमें खुद को या स्वयं को है। जैसे ही हर्ट्स हिमसेल्फ, वह खुद को चोट पहुंचाता है, तो मतलब जो सब्जेक्ट है वो खुद ही प्रभावित हुआ है। यदि खुद प्रभावित हो रहा है, खुद को अर्थ निकल रहा है, तो वो रीआरपी मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। और जब सिर्फ खुद या स्वयं का अर्थ निकलेगा, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाकी के प्रोनाउन के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जा रही है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।